तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? यू आर वॉचिंग बर्मन एजुकेशन फॉर, वेलकम बैक अनदर वीडियो। क्यों थंबनेल देखकर चौंक गए? डोंट वरी यार, टेंशन मत लो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की अपडेट के बाद। लेकिन थोड़ा सा इससे पहले मैं अपडेट के बताना चाहूँगा आपको कि मतलब आज है लास्ट दिन रजिस्ट्रेशन करने का। नहीं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि PG में 2 दिन से फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया था, जिससे साबित होता है कि इस बार PG में भी एडमिशन कम हो रहे हैं। हालांकि अगर मैं बात करना चाहूँ, आज लास्ट डेट है, यानी कल भी थी और आज भी थी, इसके बाद आज शाम तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। वैसे तो यार बहुत कम बंदे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी न्यूज देना बनता है, सो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करता हूँ, जो छूटे हुए प्रैक्टिकल थे वो भी अब होने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कोरोना काल के टाइम के जिन्होंने पेपर बिल्कुल ही नहीं दिया था, या जिनकी थर्ड ईयर में बैक आ गई, यानी कि उनके जो फिर से दोबारा से पेपर हो रहे हैं, जो कि फरवरी में होने हैं, यानी कि 25 जनवरी से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, और बता दो 18 से उनके मतलब जो वाइवा होगा यानी मौखिक परीक्षा होगी, और जो प्रैक्टिकल होगा वो 18 तारीख से शुरू हो रही है। अब बात करते हैं प्राइवेट फॉर्म को लेकर, यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है। देखो, जो स्टेट का जो प्राइवेट फॉर्म थे वो बंद कर दिया था यूनिवर्सिटी ने, तो इनके बारे में चलो मैं कम्प्लीटली आपको बताता हूँ। तो क्या था कि जो स्टेट यूपी स्टेट की वो थी, वो प्राइवेट फॉर्म के लिए बंद कर दिया था। अब प्राइवेट फॉर्म अगर बंद हो जाएंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसी आस में थे कि चलो यार इस बार रेगुलर नहीं करते, क्योंकि इस बार वैसे ही आपको पता है एडमिशन, पता नहीं वजह क्या रही, फिर भी हम कुछ कह नहीं सकते। यानी कि एक बात कहना चाहूँगा कि रिजल्ट तो एक इस बार भी मतलब सेम सही रहा, उस टाइम पर बोर्ड के पेपर हो गए थे, उसके बाद कोरोना की मतलब ये हलचल सी पैदा हुई थी। ठीक है, रिजल्ट तो मतलब पहले की साल की तरह ही रहा बोर्ड का, क्योंकि बोर्ड के तो पहले एग्जाम हो चुके थे, लेकिन फिर भी पता नहीं इस बार रजिस्ट्रेशन भी कम हुए। अब तक रजिस्ट्रेशन ओपन करके रखे, लेकिन फिर भी मतलब स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिए, क्योंकि स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि प्राइवेट करेंगे, बट प्राइवेट का अब भी झमेला अटका हुआ है। हालांकि यूनिवर्सिटी छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि आज भी यूनिवर्सिटी की जो फाइनली बैठक हो है उसमें पता चलेगा कि प्राइवेट फॉर्म छूटेंगे या नहीं इस बार, मतलब भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे। हालांकि अगर चांसेस बने हुए हैं कि भरे ही जाएंगे, हालांकि अगर यूनिवर्सिटी ने खुद कहा है कि लगभग अगर 50 करोड़ रुपए सालाना आता है प्राइवेट कॉलेज से, मतलब सॉरी प्राइवेट कॉलेज नहीं, प्राइवेट जो फॉर्म भरे जाते हैं, या आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपये बहुत बैठता है। 2-3 महीने की प्रोसेस होती है प्राइवेट फॉर्म भरने की, और उन्हें से ही 50 करोड़ सिर्फ यूनिवर्सिटी को मतलब फ़ायदा होता है। फ़ायदा कहो या मतलब घाटा कह सकते हो, घाटा होगा इतने का, यानी कि फ़ायदा तो होता था या नहीं होता था, लेकिन यूनिवर्सिटी के बजट में से 50 करोड़ रुपए निकल जाएंगे प्राइवेट फॉर्म जाने की वजह से। हालांकि जो CCSU है अभी छोड़ने को तैयार नहीं है, उस पर बैठक चल रही है, हालांकि अभी देखते हैं क्या होता है, बट अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज लास्ट डेट है, कल मतलब लास्ट बैठक है आज, मतलब पता चल जाएगा कि प्राइवेट फॉर्म यूनिवर्सिटी से भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे। अगर नहीं भरे गए तो क्या होगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक के लिए जो वीडियो में अपडेट है, किसी भी पॉइंट को लेकर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन टॉक टू मी ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।